तब ना बहुत अजीब लगता था ऐसे कैमरा पकड़ना रोड पे। जूनियर ब्लैक फॉरेस्ट दी बेस्ट। जूनियर ब्लैक फॉरेस्ट कितने कचड़े में कचड़े चल रही है। चुप रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू। असली दर्द। 1 2 भाई बहुतों का क्वेश्चन था कि फिटनेस का कुछ लेके आइए। आ गए 4 महीना के बाद बहुत 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 ही स्पेशल वीडियो के साथ। जैसे आप देख सकते हो हमारा 100 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन का डे 1 है आज, जो कि अभी हम लोग निकले हैं घर से और जब जाएंगे जिम ना तो आपको आज बहुत मजा आने वाला, क्योंकि आज मेरा है तो पहले ट्रेनर का बर्थडे। 4 महीना बाद मेरे को ट्रेनर देखेगा, मेरा बॉडी देखेगा, मेरा पेट देखेगा और इसका शरीर देखेगा और फिर बोलेगा वही था ना तुम 4 महीना पहले जो ऐसे अबे मैं ऐसे करते तो पेट ऐसे हो जाता। हाँ ये कर लो पहले। तो भाइयों जो पुराने व्लॉग से मेरे को देखते आए हैं वो ये रोड आराम से पहचानेंगे, क्योंकि ये शुरुआती हमारा ये रोड से ही हुआ, क्योंकि व्लॉग बनाते थे स्टार्टिंग में यहाँ से ये वो, तब ना बहुत अजीब लगता था ऐसे कैमरा पकड़ना रोड पे, आदमी देख रहा है नीचे कर लो, आदमी देख रहा है बंद कर दो, ये होता था बेशरम। तो छोड़ो ये सभी टॉपिक आ रहा हो, अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने क्योंकि उनका बर्थडे है भाई। वो खाएंगे नहीं, हमको पूरा पूरा 100% पता खाएंगे नहीं, लेकिन अपना फर्ज बनता है ना केक कटवाना। क्या स्टार्ट भी लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दिन से किए हैं ट्रेनर के बर्थडे के दिन पे। आ गया केक शॉप। चलिए देखो यहाँ से मैंगो दिख रहा है छोटा में। रुको जरा सबर करो, डिसाइड करो सबसे बड़ा डिसाइडर, सबसे छोटा लेना है ये है। A few moments later तो फिर वो ले लो जूनियर ब्लैक फॉरेस्ट दी बेस्ट। अरे हाँ ठीक लेकिन इसरो यहाँ आएगा लेने के जिम से आने के पहले ये सब दिखाया हुआ है, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है यहीं से खाऊं, यहीं से खाओ घर चल जाओ, हमको मन नहीं कर रहा है। चलो चलो हो गया 11:30 बजे पहुंचने वाले थे। ओ ठीक है कोई बात नहीं, बोल देंगे कि क्लियर से लेट हो गया। और बहुत दिनों बाद सियाला मोड़ पे उनसी का कैसा लग रहा है, बस पकड़े होगी वही पुराना रूट बस से जाना। आ गया क्या आराम से, जा 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 कूदो 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 बस में कूदो। कितने कचड़े में कचड़े चल रही है। चुप रहो। चुप। ठीक है तो कचड़ा के साथ रहने से। चप्पल दिखाओ। ब्लॉक में ऐसे में इसके फैंस उसको देखते हैं। क्या कर सकता मड़बड़ी में ही पहन क्या? अबे भाई नाइक काम इतना कीचड़ में बर्बाद नहीं कर सकते, मेरे से ना होगा। चाटिए मत। चलिए ट्रेनर से मिलाते हैं। हम लोग का बात था 11 बजे आने का और उनके घर के सामने हम लोग पहुँचे 12:30, मतलब 1 घंटा पूरा लेट। आने दो रिएक्शन हो। आ रहे हैं। उनको तो पहले यकीन नहीं हुआ कि हम लोग नीचे खड़े हैं। ऊपर चलो भाई जल्दी इतना आस्ते आस्ते चल 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 चल। ये रहा हमारा जी भाई 4 महीनों बाद। ओए होए 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 प्यार है आज, प्यार आज मिलेगा आपको फिटनेस का हर चीज़, आज पूरा फिटनेस का ही मिलेगा भाई। पंखा चला भाई देख रहे हो, यहाँ से आएंगे यहीं से देख लेंगे। अरे भाई साइड में रखो तब ना। तो पहला दिन है भाई, मजा करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। मजे से स्टार्ट करो तब ना मजा आएगा जर्नी का। भाई इंतजार में तो केक गल जाएगा, केक वहाँ रखा है वो तो गल जाएगा। कहाँ रहेगा ट्रेनर, हमको लग रहा है पक्का वॉशरूम में होंगे, अभी तक नहीं आया। तो देखो जब तक ट्रेनर नहीं आता है तो आप लोग के मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि 4 महीना से जब अगर हम इधर वर्कआउट नहीं कर रहे थे तो कहीं और कर लेना चाहिए था। तो भाई देखो यहाँ से अलग प्यार है, यहाँ से मैंने जिम से प्यार करना सीखा,
भाई यहाँ छोड़ के मैंने ज्वाइन किया था, दो दिन गया उसके बाद मैंने गया ही नहीं। मतलब महीना का पैसा भी वेस्ट हो गया, एंट्री का जो दिया था वो भी वेस्ट हो गया, लेकिन वर्कआउट हुआ यहाँ छोड़ के। क्योंकि भाई ये जो इंसान है ना, ब्लेस्ड ऐसा इंसान लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ लेकिन अपना वर्कआउट नहीं छोड़े भाई। करेंगे बॉडी बनाएंगे तो यहीं बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ये मेरा जिद है, क्या करो, ये जिद है। क्योंकि ट्रेनर ट्रेनर कम भाई भैया ज़्यादा है। A few moments later. क्या जी? घर का बेटा आ गया। घर का बेटा आ गया। चार महीने के बाद। चार महीने ही है। गजब बेइज्जती है। बहुत खाई अमित, बहुत। हम तो बाहर का बहुत कम खाए, बहुत खाई। इधर आपके लिए, आपका बर्थडे, आप केक नहीं काटोगे ऐसे कैसे चले। भले हमको पता आप नहीं खाओगे लेकिन काटना तो बनता है ना। अब जो भी खाना वाना होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, तुमसे पहले केक खा लिया। वाह, पहला दिन का थोड़ा अच्छा शुरुआत हुआ। अब ये 100 दिन तक नहीं मिलने वाला, इसीलिए पहला दिन हमें खिला के भूल। हमको अगर खाना नहीं है तो मैं ये खा रहा हूँ। हमको पता था, हम इसीलिए सबसे छोटा केक लेके, हमको पता था आप नहीं खाओगे। मतलब क्या मजा में मार रहे भैया, बोल रहे परमिशन लेके ला, जितना खाना खा लो क्योंकि अब नहीं मिलेगा खाने। और मतलब थोड़ा सा और फूलेगा तो हो जाएगा ना। अभी तक कितना दिन ट्रांसफॉर्मेशन? 100 दिन में वापस? 100 दिन में, हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। इसीलिए यहाँ आना था। हम दूसरे जिम में लिए थे एडमिशन, थे जो 2 दिन आपसे लिया ऑनलाइन का, उसके बाद कभी नहीं, बस कभी नहीं, पैसा वेस्ट गए नहीं जिंदगी, और नहीं हो रहा था। क्या क्या अपर का मिक्स करेंगे? हाँ, हाँ, कल लेग्स। 2 दिन रेस्ट होगा मंडे से। अब एकदम बोला है 100 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन लाइक, बहुत बढ़िया। सब हमसे पूछा भाई फिट जी नाम है, फिटनेस कहाँ है? अब आएगा ये रहे, आ गए फिटनेस गुरु, आ गए मेरे, अब आएगा फिटनेस। डे वन का चार महीना बाद स्टार्ट करोगे तो लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। वेट भूल जाओ, इसमें आ जाओ। हम वंशिका को देख के करते थे घर में मजाक, मजाक आज भैया मेरा बना दिया, आज भैया मेरा बना दिया मजाक। लाइफ में देख लो, 6 महीना बाद 7 महीना बाद और पीछे से लाओ, और पीछे से वंशिका का डायलॉग दे रही है, हम सीखा है ये सब, मेरे को आता है इसीलिए। अब लाइफ में पहली बार ये सब आज तक नहीं, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा तुमको असली दर्द। बॉडी पूरा भी जैम हो गया, तुम पूरा मोबिलिटी में थे, अब पूरा छोड़ दिए। हाँ, इसमें तो ये जगह अभी हो रहा है, इसीलिए दर्द हो रही है। अब वर्कआउट मतलब जम्बल तक छुए नहीं, दर्द हो रहे हैं। मजा आ रहा है बहुत, मत छोड़ना जिम भाई, कंटिन्यू रखना। फ्री हैंड मार रही हूँ, बीसी डबल है, फिर कोई मतलब है? तुम क्या बोल रहे हो, तुम भी मेरे कैटेगरी में आते हो। आज इसको देख के थोड़ा सीखिए, मेरे को मत देखिए, आज मेरा इज्जत गया आज। करिए करिए कैसे, 1 2 बाप रे बाप, वंशिका तुम अपने पे शर्म करो। पूरा है तुम्हारे साथ हो गए तो शर्म तो रह गई ना। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। जब हम सिखा दे करो, 20 करना है, 20 काउंट करना मत भूल जाना। सच्ची काउंट नहीं करना, इस बार काम लग गया, अब समझ में आएगा। मेरा 40 चल रहा है, इनका 60 चल रहा है। अभी कभी जो मैसेज किए हैं कभी, पहली बार ना, जिम मत छोड़ना, 4 महीना में आपके बाद यही होगा, देख लो हाथी के तरह। ए हाथी, कंपटीशन। अरे तुम मेरे कंपटीशन हो भाई, सब बहुत नया है मेरे लिए। कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे तुमको। अरे खुद पहले हाथी से बदली हो ना, सिखा देंगे। ठीक है हम हो जाएंगे, ठीक है। आज की कंपटीशन लेकिन ये मेरी है, मेरे से ऊपर है ये सब चीज में। ये हमेशा करती थी ना, हम लोग नहीं करते थे ये सब, हम लोग डायरेक्ट डंबल उठाओ, मारा 30 किलो 40 किलो, ये सब अपने से नहीं होता था। वंशिका क्या हुआ? वंशिका बॉडी नहीं हिलना चाहिए, बॉडी हिल रहा है, बहुत कम हिल रहा है, पूरा हिल रहा है, देखो उधर पूरा चल जा रहा है।
बहुत मेरे पे हंसता था जब हम ये सब करते थे तो। कर्मा हंसते थे? कर्मा अरुण कर्मा। आज हंसी के हम हाल में नहीं पात्र हो तुम आज हंसी के। तो भाइयों जैसा आपने देखा आज का हमारा सेशन था सिर्फ कार्डियो, और ये इसलिए था क्योंकि ट्रेनर ने मेरे को जो जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बताया गया कि जो मसल टिश्यू है अपना, अगर आप अभी पहले दिन जितना महीना भी आप गैप दियो, 6 महीना 5 महीना 1 साल जो भी आपका गैप है, अगर आप गैप देके अचानक से आगे वर्कआउट करना और पहले दिन में आपने डंबल उठा लिया तो मसल स्टिफ हो जाएगा, और जो स्टिफ हो जाएगा तो वो मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बॉडी बनेगा नहीं, ग्रोथ ही नहीं आएगा। तो मसल ब्रेकडाउन करने के लिए कार्डियो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कार्डियो करके ये मोबिलिटी लाया अभी, तो जो जो मतलब स्टिफनेस था वो सब चल गया। अब नेक्स्ट मतलब कल भी नॉर्मली ऐसे ही होगा, मंडे से रियल वर्कआउट स्टार्ट होगा और मंडे से मैं आपको दिखाऊंगा कि असली वर्कआउट यहाँ क्या होता है। देखिए वर्कआउट चालू भी नहीं हुआ अभी असली, देख रहे हो, इसीलिए बोलते हैं भाई लाइफ में अमित भैया जैसा ट्रेनर सबके लाइफ में, हर एक जन के लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिम के डर से बॉडी नहीं बनता है, सच बता रहे हैं, उनके डर से इनका डाइट बॉडी सब बनता है, सिर्फ उनके डर से। इसीलिए भाई हम लोग का कहीं जिम में मन नहीं लगा था, तो क्या शाम को क्या सुबह का भूला, अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते। तो हम लोग 4 महीना बाद आए फिर भी भूला नहीं है हम लोग। अभी तो क्या बोले 50 दिन में, अभी तो मेरे को बोले तो 50 दिन में बॉडी वापस आ जाएगा और 50 दिन में ग्रोथ होगा, मतलब जितना है उससे ज्यादा अच्छा बनेगा। हमेशा एक चीज याद रखना, कम बैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। तो ये वो उन्होंने भी मेरे को बोला कि अब जो तुम आया हो ना अब ज्यादा अच्छा बॉडी बनेगा, तो रहो ट्यून्ड, 100वां दिन में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा बॉडी कैसा बनेगा, और अब आएगा ना फिटनेस का, बहुत कमेंट पे मजा उड़ा रहे थे फिटजी कहाँ है, बहुत सब बोल रहे थे फिटजी कहाँ है, फिटनेस कहाँ है, 100 दिन दिखा देंगे। तो भाई अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ जरूर से शेयर करना, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया अपने अंदर भी डाल लेना, और जाओ जिम अगर आप नहीं जा रहे तो जाओ भाई, एक दिन लेजीनेस मतलब साहब कोई मार मुड़ के आज साले एक दिन चल जाओ, नेक्स्ट डे से आप अपने आप जाओगे, सिर्फ एक दिन आपको जाना है, सिर्फ एक दिन।